हेलो बच्चों, कोचिंग क्लासेस। हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे थे और जियोग्राफी में हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे। देखिए, जियोग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, बुक का नाम है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ये बुक का नाम है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, ये क्लास 11th की बुक का नाम है क्लास 11th जियोग्राफी। क्लास 11th की बात कर रहे हैं, जियोग्राफी में इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। इसमें चैप्टर नंबर हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है नेचुरल हजार्ड्स। क्या नाम है? नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। ये चैप्टर का नाम है। क्या नाम है चैप्टर का? नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगी चीजें, हम वो समझने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल हजार्ड्स क्या होते हैं या नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेचुरल हजार्ड्स क्या होते हैं और नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं। क्या ये दोनों चीजें सेम है? क्या नेचुरल हजार्ड्स एंड क्या नेचुरल डिजास्टर, क्या ये दोनों चीजें सेम है? आज हमें ये समझ में आएगा, ओके। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू माइट है रेड अबाउट सुनामी। याद करो 2004, 2004 में क्या कहते हैं कि सुनामी आई थी। 2004 में सुनामी आई थी, कहाँ कहाँ पे आई थी? इंडोनेशिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया, श्रीलंका और इंडिया, यहाँ पे सुनामी आई थी 2004 में। तो काफी ज्यादा तहस नहस हुआ था। फिर उसी के बाद में यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि यू मे हैव ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द सेवियर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी आया था, अर्थक्वेक 2004 में क्या कहते हैं कि सुनामी आई थी, और 2005 में क्या कहते हैं कि अर्थक्वेक आया था। ये अर्थक्वेक कहाँ पे आया था? एलओसी के पास में। कहाँ कहाँ पे? एलओसी के पास में। एलओसी के पास पे मतलब कि क्या कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे 2005 में क्या कहते हैं क्या आया था, क्या आया था? क्या कहते हैं, अर्थक्वेक भी आया था 2005 में, और 2004 में सुनामी आया था। 2005 जो फाइव में जो आया था, ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में आया था, जम्मू एंड कश्मीर में आया था। दोनों साइड में बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, लगभग लगभग बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। द डैमेज कॉज टू द मैन ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग दीज एपिसोड्स हैज मूव्ड अस ऑल। तो मतलब क्या कहते हैं कि ऐसे जो यहाँ पे जो डैमेज हुआ था, जो डैमेज हुआ था, वो क्या कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा, यानी कि हम लोगों को हिला करके इतना ज्यादा डैमेज हुआ था कि दिमाग हिल जाता है अगर सुनने के बाद, ठीक है। तब हम यही समझने वाले हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में एक्चुअल में हमें पढ़ना है कि ये फेनोमेनन जो नेचुरल डिजास्टर्स या अर्थक्वेक आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, क्यों आ रहे हैं, हम यही पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर दीज फेनोमेनन, ये क्या है और कैसे आती है, ठीक है। ये क्यों होती है और इनको हम कैसे के कहते हैं कि कैसे इनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो अब आज हमें यही पढ़ना है। आज हमारा चैप्टर का जो टारगेट है, यही चैप्टर का टारगेट है कि हमें ये समझना है कि ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो अर्थक्वेक है, चाहे वो कहते हैं सुनामी, ये होती क्यों है और ये कैसे होती है, अर्थात तो हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, मतलब कि चेंज होता ही रहता है, चेंज तो मतलब होगा ही होगा। चेंज कहते नहीं कि चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, चेंज प्रकृति का नियम है, कहते नहीं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो यहाँ पे चेंज होते रहना क्या कहते हैं कि लॉ है, ठीक है। इट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब जो चेंज होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट गोज ऑन अनइंटरप्टेडली इन्वॉल्विंग फिनोमेना बिग और स्मॉल, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, दैट मेक आवर फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट। कुल मिलाकर के यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि चेंजेस हमेशा होते रहते हैं, चेंजेस हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, चेंजेस कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती। अब उसमें चाहे तो क्या कहते हैं कि छोटा हो चाहे बड़ा चेंज हो, चाहे उसमें कोई, हाँ समझ रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़े चीजों में हो रहा हो, चाहे किसी मटेरियल में हो रहा हो या कोई नॉन मटेरियल थिंग्स हो रहा हो, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो चाहे सोशल इन्वायरमेंट, कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं ये चेंजेस हमेशा चलते होते ही रहते हैं। इट इज अ प्रोसेस प्रेजेंट एवरीवेयर विथ वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो क्या होता है कि जो चेंजेस होते हैं वो हर जगह पे होते हैं,
बस कहीं पे क्या कहते हैं कि ज्यादा चेंजेस होते हैं, कहीं पे कम होते हैं, ठीक है। चेंजेस हर जगह पे होते रहते हैं, तो चेंजेस कहीं पर ज्यादा भी हो सकते हैं, कहीं पे कम भी हो सकते हैं। तो ये लिखा है, इट इज अ प्रोसेस प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी एंड स्केल। तो मतलब कहीं पे ज्यादा हो जाते हैं, कहीं पे ये कहते हैं कि कहीं पे इनका इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, कहीं पे इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो ये सारी चीजें, चेंज कैन बी ग्रेजुअल, चेंज क्या हो सकता है, धीरे धीरे भी हो सकता है। हाँ, चेंज क्या हो सकता है, धीरे धीरे भी हो सकता है, ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस हो सकता है। जैसे याद करो जब मैंने पढ़ाया था इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म, जब के कहते कहीं पे पहाड़ बनता है, कहीं पे नदियां बनती हैं, क्या वो अचानक से बन जाती है क्या? नहीं, उनको बनने में बहुत सारा टाइम लगता है। माउंटेन वगैरह बनने में क्या होता है, टाइम लगता है। यानी कि जब लैंड फॉर्म का एवोल्यूशन होता है तो वो बहुत स्लो प्रोसेस है। एवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म क्या होता है, स्लो प्रोसेस है। एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी क्या होता है, स्लो प्रोसेस है। तो कह रहे हैं कि चेंजेस कैन बी, हाँ, चेंजेस क्या हो सकते हैं कि ग्रेजुअल भी हो सकते हैं, स्लो भी हो सकते हैं। हाँ, ग्रेजुअल और स्लो चेंजेस क्या हो सकते हैं, ग्रेजुअल और स्लो हो सकते हैं। याद करो जैसे कि हमने एग्जाम्पल बताया था कि हाँ, ये एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये स्लो प्रोसेस है। और क्या कहते हैं, एवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म जो है वो भी स्लो प्रोसेस है। और चेंजेस क्या कहते हैं कि सडन भी हो सकते हैं, चेंजेस सडन भी हो सकते हैं और स्विफ्ट तेजी से भी हो सकते हैं। चेंजेस सडन चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, कहीं पे वोल्केनिक इरप्शंस हो गया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, बिजली गिर गई, लाइटनिंग हो गई। ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, अचानक से होता है। तो मतलब चेंजेस क्या कहते हैं कि धीरे धीरे भी हो सकते हैं, और चेंजेस क्या कहते हैं कि अचानक से भी हो सकते हैं। इतना बात समझ रहे हैं। सिमिलरली इट मे रिमेन कन्फाइंड टू अ स्मॉलर एरिया, हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये कभी कभी कुछ चेंजेस होते हैं जो छोटे से ही एरिया में रह जाए, और कभी कभी कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो बहुत पूरे पूरे विश्व को ही चपेट में ला देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहीं पे वो हेल स्टॉर्म्स हुआ, कहीं पे मतलब कि बर्फ गिरा या टॉर्नेडो आया, कहीं पे स्टॉर्म आता है, वो तो कुछ पार्टिकुलर एरिया को ही अफेक्ट करता है, कुछ पार्टिकुलर एरिया को अफेक्ट करता है, पूरे देश को नहीं, हाँ पूरे विश्व को नहीं। बट जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो पूरे विश्व को, तो मतलब कुछ चेंजेस होते हैं जो पूरे विश्व को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और कुछ चेंजेस होते हैं जो केवल और केवल के कहते हैं कि पार्टिकुलर जगह पे ही रहते हैं, ठीक है। अब आप देखो, हर चेंजेस का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग है। कुछ चेंजेस लोगों के लिए अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ चेंजेस लोगों के लिए बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है। चेंजेस का मतलब अलग अलग होता है हर चेंजेस के लिए। तो वही लिखा हुआ कि चेंजेस हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए जो ये चेंजेस हैं उनके अलग मतलब हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए ये जो चेंजेस हैं उनके अलग अलग मतलब हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए चेंजेस के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। कुछ लोगों को चेंजेस, देखो फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ नेचर, देखो अगर नेचर के नजरिए से देखा जाए, नेचर के नजरिए से देखा जाए तो जो चेंजेस हैं वो क्या होते हैं, वैल्यू न्यूट्रल होते हैं। चेंजेस ना तो अच्छे होते हैं ना तो बुरे होते हैं। अगर नेचर के नजरिए से देखा जाए, नेचर के नजरिए से देखा जाए तो चेंजेस बुरे भी नहीं होते ना तो अच्छे ही होते हैं, ना तो बुरे होते हैं ना तो अच्छे होते हैं, ठीक है। अगर नेचर के नजरिए से देखा जाए, नेचर के नजरिए से देखा जाए तो जो चेंजेस होते हैं ना तो अच्छे होते हैं ना तो बुरे होते हैं, बट फ्रॉम द ह्यूमन परस्पेक्टिव, जब इंसान के नजरिए से देखा जाए तो ये जो चेंजेस होते हैं क्या होते हैं, वो वैल्यू लोड होते हैं, मतलब कि वैल्यू वैल्यू मैटर करता है उसमें, ठीक है। इंसान के नजरिए से चेंजेस में वैल्यू मैटर करता है, और नेचर के नजरिए से वैल्यू नहीं मैटर करता, उनके लिए चेंजेस ना तो अच्छे होते हैं ना तो बुरे होते हैं। अब जब इंसान के तरीके से देखें तो क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं जो इंसानों के लिए अच्छे होते हैं। जैसे जैसे इंसान कहेगा कि जब क्या कहते हैं कि जब जब सीजन्स में चेंजेस आते हैं, जैसे कि कहते हैं ठंडी गर्मी, ये बरसात वगैरह ये सब होती है, ये लोगों के लिए अच्छे होते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल पकते हैं, तो ये चेंजेस जो ये जो चेंजेस होते हैं लोगों के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन अर्थक्वेक आना, फ्लड्स आना, वार होना, ये सब क्या होता है, ये जो ऐसे चेंजेस हैं जो लोगों को, ये बैड भी होते हैं, अनडिजायरेबल भी होते हैं, लोग ऐसे चेंजेस नहीं चाहते। कहीं पे अर्थक्वेक आए लोग नहीं चाहते, कहीं पे क्या कहते हैं कि वोल्केनो आए नहीं चाहते लोग, कहीं नहीं सोचते कि फ्लड आए, लेकिन ये भी चेंजेस होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो चेंजेस हो सकते हैं वही स्लो भी हो सकते हैं, चेंजेस फास्ट भी हो सकते हैं, चेंजेस डिजायरेबल भी हो सकते हैं, चेंजेस अनडिजायरेबल भी हैं। तो ये डिपेंड करता है, और हमें पता है कि चेंजेस होते ही रहते हैं। तो इसमें अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा, अब आगे देखते हैं क्या। डिजास्टर्स इन जनरल एंड नेचुरल डिजास्टर्स इन पर्टिकुलर आर सम चेंजेस दैट आर ऑलवेज डिसलाइक्ड एंड फियर्ड बाय ह्यूमनकाइंड, ठीक है। तो यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर होते हैं, ये लोगों के द्वारा पसंद भी नहीं किए जाते,
और लोगों को ये डराते भी हैं। ठीक है, जो ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं, नेचुरल डिजास्टर कोई नहीं पसंद करता। तो अब आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न यही आ गया, व्हाट इज डिजास्टर। सबसे पहला प्रश्न ये आ गया, पेपर में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिजास्टर। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि डिजास्टर कभी भी डिजायरेबल होता है क्या। मुझे बताना कि डिजास्टर जो होता है वो क्या डिजायरेबल होता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा अब तक का इस चैप्टर में है कि व्हाट इज डिजास्टर। क्वेश्चन आ गया, व्हाट डिजास्टर। तो मुझे बताओ कि डिजास्टर क्या होता है। डिजास्टर कभी भी डिजायरेबल होता है क्या। डिजास्टर डिजायरेबल होता है क्या, नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिजास्टर क्या होता है। डिजास्टर इज एन अनडिजायरेबल फेनोमेनन या अक्रेंस लिखते फेनोमेनन। किसकी वजह से होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द फोर्सेस। उन फोर्सेस से ये रिजल्ट होता है, उन फोर्सेस से बनता है दैट आर लार्जली आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल। तो डिजास्टर क्या होता है, आपको समझ में आती है। ये क्या होता है, अनडिजायरेबल फिनोमिनन, जिसको हम नहीं चाहते। ये किसकी वजह से बनते हैं, ये उन फोर्सेस की वजह से बनते हैं, उन फोर्सेस की वजह से बनते हैं जो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर हो, जिन फोर्सेस पे क्या कहते हैं कि ह्यूमन कंट्रोल नहीं है जिन। हाँ ठीक है, और ये ध्यान रखते ना कि ये ध्यान रखते ना कि डिजास्टर्स डिजास्टर स्ट्राइक्स क्विकली। विथ लिटल और नो वार्निंग। विच कॉजेस विच कॉजेस सीरियस डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सीरियस डिस्ट्रप्शंस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी और बोथ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लोगों का डेथ भी हो सकता है, लोगों की भी कहते हैं ये सारी। ओके, तो यानी कि हमारे बात समझ में आ गई कि डिजास्टर क्या होता है। डिजास्टर वो चीजें होती हैं जो अनडिजायरेबल फिनोमेना होती है। किसकी वजह से, उन फोर्सेस की वजह से आती है जो आउटसाइड ऑफ ह्यूमन कंट्रोल होती है। दूसरा, डिजास्टर स्ट्राइक्स क्विकली विथ लिटल और नो वार्निंग। डिजास्टर जो होते हैं वो बहुत तेजी से की करते हैं कि स्ट्राइक करते हैं। हाँ, कभी कभी वो वार्निंग देने का भी मौका नहीं छोड़ते। ठीक है, और इसकी वजह से लोगों के बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है। ठीक है, लोगों की जान भी चली जाती है, लोगों को इंजरी भी आ जाती है। ठीक है, इतना बात समझ आए नहीं समझ आए, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार इसको। इसी को मैंने तोड़ तोड़ के लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इतना बात तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आया, स्ट्राइक्स क्विकली विथ लिटल और नो वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं दिया। विच कॉजेज और थ्रेटेंस, मतलब कि कहते हैं कि डिजास्टर कॉजेज और थ्रेटेंस सीरियस डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग डेथ एंड इंजरी। इसकी वजह से क्या होता है, डेथ भी होता है, इंजरी भी होता है टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, और ये क्या होता है, दो लोगों के लिए नहीं होता। ठीक है, टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए होता है। ठीक है, टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक दो लोगों के लिए नहीं होता कि। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है डिजास्टर। ओके, लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड रिक्वायर्स देयर फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स इन एक्सेस ऑफ दैट
विच आर नॉर्मली प्रोवाइडेड बाई स्टैचुअरी इमरजेंसी सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये कहते हैं कि किन चीजों के डिमांड करता है, यहाँ पे किन चीजों के डिमांड करता है। तो यानी कि इससे निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इससे निपटने के लिए हमें इमरजेंसी सर्विसेज देनी पड़ती है, ठीक है। इससे निपटने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, इमरजेंसी सर्विसेज देनी पड़ती है। इससे निपटने के लिए हमें क्या कर देनी पड़ती है, इमरजेंसी सर्विसेज देनी पड़ती है, ठीक है। ठीक है, इतना बात समझ में है, ओके। ठीक है, इससे निपटने के लिए हमें किसकी, इमरजेंसी सर्विसेज देनी पड़ती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम जियोग्राफिकल लिटरेचर व्यू डिजास्टर्स एज अ कंसिक्वेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस। पहले जो लोग थे, मतलब कि जो पहले के जो लोग थे, उनका मानना था कि जो डिजास्टर्स होते हैं, जितने भी डिजास्टर्स होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, डिजास्टर्स होते हैं वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से होते हैं और इंसान की वजह से नहीं होते थे। पहले के लोग मानते थे कि ये केवल केवल नेचुरल फोर्सेस की वजह से होते हैं, ह्यूमन बीइंग की वजह से नहीं होते हैं, ह्यूमन की वजह से नहीं होते। यही लिखा हुआ, ह्यूमन बीइंग्स वर ट्रीटेड एज इनोसेंट। पहले माना जाता था कि इनोसेंट, हाँ, ह्यूमन बीइंग्स केवल और केवल क्या है, ये विक्टिम्स हैं, ये हेल्पलेस हैं, केवल और केवल ये किसी भी कारण से बाकी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब माना जाता है कि भाई नेचुरल फोर्सेस तो है ही, नेचुरल फोर्सेस साथ साथ में इंसान भी कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज भी डिजास्टर के कारण। नाउ अब सिचुएशन बदल जाती है, अब लोग मानते हैं कि डिजास्टर, तो क्या कहते हैं कि डिजास्टर जो होता है दोनों की वजह से आता है। डिजास्टर जो होता है वो किसकी वजह से आता है, दोनों की वजह से होता है। किसकी वजह से, नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी होता है और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी होता है और नेचुरल एक्टिविटीज की भी वजह से होता है, दोनों की वजह से डिजास्टर होता है, ठीक है। देयर आर सम एक्टिविटीज कैरीड बाई ह्यूमन बींग्स दैट आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर्स। बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो इंसानों के द्वारा की जाती है और डिजास्टर के लिए कारण बनती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो होती, ये कब हुई थी, हाँ ये कब हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के आसपास हुई। 1984 के आसपास में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें क्या कहते हैं कि जिसमें इसमें एक क्या कहते हैं कि कंपनी थी, उसमें से क्या कहते हैं कि एक गैस ऐसे, मतलब कि जहरीली गैस निकली। ये मध्य प्रदेश में है और जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान चली गई। इसी तरीके से चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, ये भी क्या कहते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था चेरनोबिल में। और क्या कहते हैं कि जब कभी वार होता है, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। और देखो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब, हाँ, एंड ग्रीन हाउस गैसेस ये सब किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस का निकलना, वार होना, भोपाल गैस ट्रेजेडी, और क्या कहते हैं कि चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सब किसकी वजह से होते हैं, इंसानों की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। एयर, वाटर, सॉइल पॉल्यूशन, जितने भी टाइप्स के पॉल्यूशन हो रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं इनकी वजह से जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होंगे, इनकी वजह से जो भी डिजास्टर्स आएंगे, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, इनकी वजह से जो भी डिजास्टर्स होंगे, उसमें तो ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना। और कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज होती है, देयर आर सम अदर एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग दैट एक्सेलरेट और इंटेंसीफाई डिजास्टर्स इनडायरेक्टली। देखो इसमें तो ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जहाँ पे इंसान क्या होता है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे क्या कहते हैं कि इंसान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे लैंडस्लाइड हुई, फ्लड का आना, हाँ, फ्लड, लैंडस्लाइड और फ्लड किसकी वजह से आता है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं, हाँ, कुछ डिजास्टर्स होते हैं, डिजास्टर्स इन विच ह्यूमन डायरेक्टली इन्वॉल्व, कुछ ऐसे होते हैं जहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। याद करो तो सबसे पहला आ जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसमें इंसान डायरेक्टली इन्वॉल्व है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। दूसरा चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर।
तीसरा सीएफसी या वॉर, जितने भी लड़ाइयां होती, प्रोडक्शन ऑफ सीएफसी, और भी क्या कहते हैं कि रिलीज और इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, पॉल्यूशंस, जितने भी टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं, वो चाहे एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ऐसे बहुत सारे। तो ये सब में क्या होता है, इंसान डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर डायरेक्टली नहीं, और कुछ ऐसे भी हैं जहां पे डिजास्टर्स इन विच ह्यूमन इन्वॉल्व इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे, जैसे डिफॉरेस्टेशन किया तो लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, फ्लड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड आना, डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंडस्लाइड होना, इसमें क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन तो इंसान ने ही किया ना, ठीक है, इतना बात समझ में। अनसाइंटिफिक लैंड यूज, अनसाइंटिफिक लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन फ्रेजाइल एरियाज, हाँ उन एरियाज में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करना, जहां पे उन एरियाज में क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करना जहां पे खतरा हो सकता है, तो फिर क्या हो, इसकी वजह से भी क्या हो, इसकी वजह से भी बड़ी सारी समस्याएं आएंगी, हाँ इसकी वजह से भी तो क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी कि नहीं आएंगी, कि भाई आप ऐसी जगह पे क्या कहते हैं कि ऐसी जगह पे वो करने जा रहे हो कि जहां पे क्या कहते हैं कि बहुत क्या कहते हैं कि एकदम क्या कहते हैं कि समझ लो कि फ्रेजाइल एरिया, फ्रेजाइल एरिया का मतलब है जहां पे चांसेस है क्या कहते हैं कि कुछ भी दुर्घटना घटने की जो चांसेस है वहां पे, तो आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड हाँ, तो यहाँ पे तीसरा चीज लिख सकते हैं अनसाइंटिफिक लैंड यूज, तीसरा अनसाइंटिफिक लैंड यूज, चौथा हाँ अनडिजाय ओके कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन फ्रेजाइल एरिया, फ्रेजाइल मतलब कमजोर एरिया, ठीक है, तो इन सब जगह पे आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, ओके कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी क्या होगा, डिजास्टर्स आएंगे, इसकी वजह से भी क्या होंगे, डिजास्टर्स तो आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ से आगे, तो अब यहाँ कह रहे हैं कि कैन यू आइडेंटिफाई सम अदर एक्टिविटीज, कुछ और भी एक्टिविटीज होती है जो कि कहते हैं कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती रहती है। अब आगे देखते हैं कि इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट ह्यूमन मेड डिजास्टर्स हैव इंक्रीज बोथ इन दियर नंबर्स, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ह्यूमन मेड डिजास्टर जो है, ह्यूमन ने डिजास्टर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, नंबर में भी बढ़ते जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड में भी बढ़ते जा रहे हैं, नंबर में भी बढ़ते जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड में भी बढ़ते जा रहे हैं, हाँ जो ह्यूमन मेड डिजास्टर्स हैं ये धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, समझ आपने। दो द सक्सेस हैज बीन नॉमिनल सो फार, देखो लोग इसको मिनिमाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लोग इसको मिनिमाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको मिनिमाइज करें, ठीक है, इसको मिनिमाइज करने की भी कोशिश की जा रही है कि इसको मिनिमाइज किया जाए, और फिर भी इतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुए, फिर भी लोग कोशिश करे जा रहे हैं कि कैसे भी कैसे करके हम क्या करेंगे, डिजास्टर को कम करेंगे। एज अपोज टू दिस वेरी लिटल इज पॉसिबल टू प्रिवेंट नेचुरल डिजास्टर्स, हाँ कि कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल और केवल किन से प्रिवेंट कर सकते हैं, हम लोग जो प्रिवेंट कर सकते हैं वो केवल और केवल ह्यूमन डिजास्टर, जो जो डिजास्टर्स ह्यूमन बींग की वजह से हो रहे हैं हम उनको ही कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ हम कौन से डिजास्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, हम कौन से डिजास्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हीं डिजास्टर को कंट्रोल कर सकते हैं जो ह्यूमन बींग के द्वारा हो रहा हो, जो ह्यूमन बींग के द्वारा डिजास्टर हो रहे होंगे
हम उन्हीं को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा हो रहे होंगे, ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज से वजह से जो डिजास्टर होते हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हम उन डिजास्टर्स को नहीं कंट्रोल कर सकते, हम उन डिजास्टर्स को नहीं कंट्रोल कर सकते जो क्या कहते हैं कि नेचर की वजह से हो रहे हैं। देयर फॉर द बेस्ट वे टू इम्पेसाइज ऑन नेचुरल डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। तो यानी कि क्या हमने, जैसे कि हमने बताया कि हम उन्हीं डिजास्टर पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम उन्हीं डिजास्टर पे कंट्रोल कर सकते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हुई, जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हुई, लेकिन हम उस पे क्या कहते हैं कि रोक नहीं लगा सकते, उन उन डिजास्टर पे रोक नहीं लगा सकते जिनका कारण नेचर है, जिनका कारण नेचर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं इसमें, यानी कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में जो बचा है वो, हमारे हाथ में क्या बचा हुआ है कि हम क्या करें कि इसका मिटिगेशन करें। मिटिगेशन का मतलब होता है कम इफेक्ट को क्या करता है, कम करना है, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर मिटिगेशन, नेचुरल डिजास्टर मिटिगेशन। और फिर हम क्या कर सकते हैं, और क्या कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हमारे हाथ में, बस इसके इफेक्ट को नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि हम तो क्या कहते हैं कि नेचुरल को, नेचर को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, नेचुरल डिजास्टर को, तो हम उसको, उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, और साथ में ही हम उसको सही से क्या कहते हैं कि उसका क्या कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें की गई, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हमारे यहाँ भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया गया, ठीक है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि इंडिया में, हमारे यहाँ का मतलब इंडिया में क्या कहते हैं कि नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया गया, ताकि हम क्या कहते हैं कि इसको कंट्रोल कर सके। और समिट रियो में हुआ था, रियो में क्या कहते हैं, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1993 में क्या हुआ था, 1993 में अर्थ समिट हुआ था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था, क्या कहते हैं कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ था 1994 में, ये कहाँ पे हुआ था, योकोहामा जापान में, क्या कहते हैं कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ था, ठीक है, किस लिए किया गया था, इन्हीं सब के लिए किया गया था कि हम क्या कर सके कि अलग अलग स्टेप्स पे, अलग अलग स्टेप्स पे कहीं ना कहीं इसको, इसके इफेक्ट को क्या करना, कम करें, या इसको समझने की कोशिश करें कि कैसे हम इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, कैसे इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। देखो लोग कभी कभी ना, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हमें इसमें, इस चैप्टर में ये समझ में आएगा क्या नेचुरल डिजास्टर और नेचुरल हजार्स सेम होते हैं, लोग कभी कभी इनको सेम समझ लेते हैं, क्या नेचुरल डिजास्टर और नेचुरल हजार्स को लोग सेम समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान में रख लो, नेचुरल डिजास्टर जो है इसका, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, इसको वो क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संकट, इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संकट। और ध्यान रख लो ये वाला ज्यादा भयानक होता है, जो नेचुरल डिजास्टर होता है ये ज्यादा हानिकारक होता है, नेचुरल डिजास्टर जो होता है वो ज्यादा हानिकारक होता है। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि प्राकृतिक संकट क्या होता है, यानी कि नेचुरल हजार्स क्या होता है, नेचुरल हजार्ड्स क्या होते हैं, तो डेफिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल हजार्ड्स आर एलिमेंट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट हैव पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल और प्रॉपर्टी और गुड। तो यानी कि क्या कहते हैं कि नेचुरल हजार्ड्स क्या होते हैं, अगला क्वेश्चन यही आ गया हमारा कि नेचुरल हजार्ड्स क्या होते हैं, नेचुरल हजार्ड्स की डेफिनेशन हमारा, और समझना है कि नेचुरल हजार्ड्स क्या होते हैं। तो नेचुरल हजार्ड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये किसी भी परिस्थिति के सर्कमस्टांसेस होते हैं, सॉरी किसी भी परिस्थिति के एलिमेंट्स होते हैं। तो क्या होता है, नेचुरल हजार्ड्स आर नेचुरल हजार्ड्स आर एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस
सर्कमस्टांसेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। इन द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट है पोटेंशियल टू। कॉज हार्म टू पीपल और प्रॉपर्टी। तो ये देखो नेचुरल हजार्ड्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, किसके सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस मतलब होता है परिस्थिति। सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या होता है परिस्थिति। सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या होता है परिस्थिति। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेचुरल हजार वो क्या कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर नेचुरल हजार्ड्स क्या होते हैं। तो नेचुरल हजार्ड्स की बात की जा रही है, तो ये बताया जा रहा है कि नेचुरल हजार्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं कि ये किसके सर्कमस्टांसेस के एलिमेंट्स हैं। किसके सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस को हिंदी में कहते हैं हालात, हालात या परिस्थिति कहते हैं। ठीक है, सर्कमस्टांसेस को हिंदी में क्या कहते हैं हालात। तो ये क्या कहते हैं कि इनके क्या कहते हैं एलिमेंट्स होते हैं जो किसको किसको इफेक्ट करते हैं। जो ह्यूमन लोगों को तो इफेक्ट करते ही करते हैं, या प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं, या कभी कभी दोनों को, मतलब इन सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सबको क्या कहते हैं कि इनको नुकसान पहुंचाने की इसमें क्या होता है पोटेंशियल होता है। ठीक है, लोगों को नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल होता है, लोगों को नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल होता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल होता है, और या दोनों को ही नुकसान पहुंचाना। ये तीव्र भी हो सकते हैं, तीव्र मतलब ये तेज हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं तेज हो सकते हैं। ठीक है, दे मे बी स्विफ्ट, दे मे बी स्विफ्ट, ये बहुत तेजी से भी हो सकते हैं, और ये परमानेंट होते हैं कि इनके अपने एनवायरमेंट के परमानेंट हैं, और परमानेंट परमानेंट आस्पेक्ट्स। और द रेस्पेक्टिव एनवायरमेंटल सेटिंग, यानी कि अपने एनवायरमेंट में वैसे के वैसे भी रहते हैं। हाँ, एनवायरमेंटल ये अपने एनवायरमेंट के में भी रह सकते हैं और साथ में ये तेज भी हो सकते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, नेचुरल हजार्ड्स के एग्जांपल कौन कौन से, नेचुरल हजार्ड्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं। इसमें आ जाएगा ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स, जब ये ओशियन करंट तेज हो जाएंगी तो स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप का मतलब आपको पता है कि तेजी से ढलान, जो एकदम सीधी ढलान होती है, मैंने बता रखा है। और क्या कहते हैं कि और क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि ये जो हिमालय में क्या कहते हैं कि हिमालय में ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ठीक है, जो कुछ ना कुछ ऐसे होंगे। तो यहाँ पे देखना ये क्या होते हैं दीज में भी स्विफ्ट, ये स्विफ्ट हो सकते हैं, तेज हो सकते हैं। या तो ये क्या कहते हैं कि जैसे अपना वो परमानेंटली चलते रहते हैं, जैसे हमें पता है ओशियन करंट हमेशा चलता रहता है, ओशियन करंट हमेशा चलते रहते हैं। हाँ, स्टीप स्लोप हो गया, स्टीप स्लोप हो गया, बहुत तेजी से ढलान है कहीं पर, ये सब भी। और क्या कहते हैं कि जैसे पहाड़ वहाड़ पे जो अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गए, या क्या कहते हैं कि हाँ फीचर्स इन द हिमालय और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे डेजर्ट और ग्लेशिएटेड एरिया। ग्लेशिएटेड एरिया जहाँ पे बर्फ बर्फ गिरा होता है, वहां का जो एक्सट्रीम कंडीशन होता है, ये सब होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आ गया नेचुरल हजार्स में। अब अगला आता है, अगला क्या कहते हैं कि है एज कम्पेयर टू नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स आर रिलेटिवली सडन। नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं और ही ज्यादा सडन हो सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं कि सडन ही होते हैं एंड कॉज लार्ज स्केल वाइड स्प्रेड डेथ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर हमने पढ़ लिया, नेचुरल हजार्ड्स पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं नेचुरल डिजास्टर क्या होता है। नेचुरल डिजास्टर तो हम जब बात करेंगे नेचुरल डिजास्टर, तो नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं सडन होते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स
आर रिलेटिवली सडन, मतलब तेजी से होते हैं। एंड कॉज लार्ज स्केल, वाइड स्प्रेड डेथ। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिस्टर्बेंस टू सोशल सिस्टम्स। डिस्टर्बेंस टू सोशल सिस्टम्स एंड लाइफ ओवर विच पीपल हैव लिटिल आर नो कंट्रोल। तो ध्यान रखना, समझने वाली बात क्या है कि इसमें मैंने बताया था नेचुरल हजार्स में क्या है, पोटेंशियल है। नेचुरल हजार्स में ये सब करने की पोटेंशियल है, बट ये तो कह रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं, सडन होते हैं, और सडन होते ही हैं, और साथ में ही क्या करते हैं कि ये लार्ज स्केल पे क्या करते हैं कि डेथ कर देते हैं। लार्ज स्केल पे डेथ, लोगों की, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे क्या कहते हैं कि लोगों की प्रॉपर्टी चली जाती है, हाँ मतलब कि बिल्डिंग वगैरह सब गिर जाएगी, ऐसा कुछ समझ लो कि क्या कहते हैं कि। एंड डिस्टर्बेंस टू सोशल सिस्टम्स, मतलब समझ लो कि घर वगैरह पूरा गाँव से गाँव तहस नहस हो जाएगा, पूरा शहर का शहर तहस नहस हो जाता है, ऐसी भी इसके अंदर इतना ज्यादा हो। और इस पे लोगों का कंट्रोल लगभग लगभग ना के बराबर होता है, इसके ऊपर जो कंट्रोल लोगों का होता है वो लगभग लगभग ना के बराबर होता है। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल में अर्थक्वेक वगैरह वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, इसके एग्जांपल में अर्थक्वेक फ्लड वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। दस एनी इवेंट कैन बी क्लास्ड एज डिजास्टर व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज कॉज्ड बाय इट इज वेरी हाई। तो यानी कि जब नेचुरल डिजास्टर हम तब बोलेंगे जब वहां पे मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तब से हम क्या बोलेंगे। मुझे बताओ कि किसी भी चीज को नेचुरल डिजास्टर कब बोल सकते हो, डिजास्टर कब बोलोगे, डिजास्टर कब बोलोगे जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा हो, और उसकी वजह से डैमेज भी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज क्या है, बहुत ज्यादा है, तब आप उसे क्या बोलोगे, तब आप उसको डिजास्टर बोलोगे, ठीक है। डिजास्टर तभी बोलोगे जब मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रक्शन क्या हो रहा होगा, बहुत ज्यादा हो रहा होगा। इतना बात समझ में है, इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि डिजास्टर्स, डिजास्टर्स आर जनरली एक्सपीरियंस ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड ओवर एंड नो टू डिजास्टर्स आर सिमिलर एंड कंपेरेबल टू ईच अदर। ध्यान में रख लेना कि डिजास्टर्स जो होते हैं ये जनरलाइज किए जाते हैं लोगों के द्वारा, और ध्यान में रख लेना कभी भी ये पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या दो डिजास्टर सिमिलर होते हैं, क्या उनको कंपेयर कर सकते हैं, तो नहीं। ध्यान रख लो, नो टू डिजास्टर्स आर सिमिलर एंड कंपेरेबल टू ईच अदर। कोई भी दो डिजास्टर्स के कहते हैं कि सेम नहीं होते, और कोई भी दो डिजास्टर को हम कंपेयर नहीं, हर एक डिजास्टर क्या होता है अपने आप में यूनिक है, एवरी डिजास्टर इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ लोकल सोशियो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। एवरी डिजास्टर इज यूनिक, हर एक डिजास्टर क्या होता है, यूनिक होता है, हाँ, फैक्टर्स दैट कंट्रोल इट एंड सोशल रिस्पॉन्स इट जनरेट्स। और क्या वो सोशल रिस्पॉन्स जनरेट करता है, कौन से इसके सोशियो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, और किसको ये अफेक्ट करेगा, किससे, हाँ तो ठीक है, तो किसको ये अफेक्ट करेगा, ये सारी बातें क्या कहते हैं कि क्या है, यूनिक होती है। हर एक नेचुरल डिजास्टर का अपना अपना मामला होता है, ठीक है। एवरी डिजास्टर इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ लोकल सोशियो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसके जो लोकल सोशियो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होगी उसके लिए करके वो यूनिक होता है जो उसको कंट्रोल करेंगे, और साथ में सोशल रिस्पॉन्स ये क्या जनरेट करेगा, हर डिजास्टर कौन सा सोशल रिस्पॉन्स जनरेट करता है इस बात को भी डिपेंड करता है। एंड द वे इन विच सोशल ग्रुप नेगोशिएट्स विद इट, और कैसे उसके साथ में क्या कहते हैं, कैसे उसको क्या कहते हैं कि जो लोग हैं उसको कैसे झेलते हैं, या उसके साथ में कैसे टैकल करते हैं, उसको कैसे डील करते हैं,
तो ये सब क्या होते हैं कि हर एक बार क्या होता है नया तरीका, हर एक बार क्या होता है नया तरीका, इसलिए बोला जा रहा है कि एवरी डिजास्टर इज यूनिक। कैसे कि क्या कहते हैं कि उसके कहाँ पे वो बना, वो डिजास्टर कहाँ पे हुआ, इस बात पर डिपेंड करता है। कैसा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के अंदर डाल रहा है कि कहते हैं कि इसकी वजह से क्या लोगों को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और लोग उसके साथ में कैसे टैकल करें, इन सब चीजों को लेकर के हर एक के कहते हैं हर एक डिजास्टर क्या होता है नया होता है, हर एक डिजास्टर यूनिक होता है। हाउ एवर द ओपिनियन मेंशन्ड अबव इज इंडिकेटिव ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स बता रहा है, तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स कौन कौन सी चीजें बता रहे हैं, जो हमने ये बात किया कि डिजास्टर हमें तीन चीजें बताता है, डिजास्टर हमें तीन चीजें बताता है, कौन कौन सी चीजें। सबसे पहले द मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी एंड डैमेजेस कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर्स हैव इंक्रीज्ड ओवर द इयर्स। यानी कि ये बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी, कि मतलब कि ये बार बार इन सब चीजों का, हाँ इन सब चीजों का क्या कहते हैं कि ये डिजास्टर होने का, इन सब का डिजास्टर होने के जो चांसेस हैं, डिजास्टर होने के चांसेस जो हैं, और डिजास्टर होने के चांसेस कितना है, डिजास्टर की इंटेंसिटी भी और डिजास्टर के मैग्नीट्यूड भी क्या होते हैं, बढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट ये बताना चाहता है कि देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न अमंग द पीपल दैट वर्ल्ड ओवर टू डील विद द मीनस, मीनस का मतलब है खतरा, क्रिएटेड बाय द डीड सो दैट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी कैन बी मिनिमाइज। तो लोगों लोग क्या कर रहे हैं कि लोग इसको लेकर के क्या कहते हैं कि लोगों को इसको लेकर के उनके मतलब की चिंता बढ़ रही है कि कैसे इसको क्या कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को कैसे कैसे कि इनके डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, जब लोगों ने देखा कि धीरे 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 जब लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है, डिजास्टर्स की मैग्नीट्यूड फ्रिक्वेंसी और ये इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो लोगों के अंदर इस बात का डर भी आ रहा है कि ग्रोइंग कंसर्न हो रहा है, भैया कंसर्न मतलब हो रहा है कि एक प्रकार से लोग चिंतित हो रहे हैं, लोग इस बात को लेकर के चिंतित हो रहे हैं कि लोग इस बात को लेकर के चिंतित हो रहे हैं कि अब वो क्या करेंगे, क्या वो कैसे करें कि ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को क्या करें उनके डैमेज को कम से कम किया जाए, ह्यूमन लाइफ और क्या कहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी के डैमेज को कैसे ना कैसे कम किया जाए। तीसरा, तीसरा क्या बताता है, फाइनली तीसरा नंबर, सिग्निफिकेंट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द पैटर्न ऑफ नेचुरल डिजास्टर ओवर द ईयर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि चेंजेस हुए हैं, क्या क्या कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर के पैटर्न में क्या कहते हैं कि समय के साथ में क्या कहते हैं चेंजेस होते जा रहे हैं, क्योंकि बताया था ना कि हर एक नेचुरल डिजास्टर क्या होता है यूनिक, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके पैटर्न में भी चेंजेस होते चले जा रहे हैं। ठीक है, उसके पैटर्न में भी चेंजेस होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक तो आपको बात ये सारी चीजें समझ में आ, ओके क्लियर है। अब हम आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि क्या कहते हैं कि देर हैज ऑल्सो बीन अ चेंज इन द परसेप्शन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स एंड हजार्ड्स। अब क्या कहते हैं कि इनको लेकर के जो परसेप्शन थे वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, उनको लेकर के जो परसेप्शन थे नेचुरल डिजास्टर्स और हजार्ड्स को लेकर के, हाँ नेचुरल डिजास्टर्स और नेचुरल हजार्ड्स को लेकर के जो भी परसेप्शन थे उनको लेकर के भी लोगों के अंदर चेंज आए हैं। प्रीवियसली हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स वर सीन एज टू क्लोजली एसोसिएटेड एंड इंटर रिलेटेड फिनोमेना। कब पहले क्या कहते हैं कि हजार्ड्स और डिजास्टर को एक साथ माना जाता, ये माना जाता था, ये माना जाता था कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़े हुए, पहले लोग मानते थे कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से क्या हुई, जुड़ी हुई। पहले लोग ये समझते थे कि जो नेचुरल हजार्ड्स है, नेचुरल हजार्ड्स और क्या कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कह रहे हैं कि एरिया प्रोन टू नेचुरल हजार्ड, जहाँ पे नेचुरल हजार्ड हो सकते हैं वहां पे नेचुरल डिजास्टर होने के ज्यादा चांस, जहाँ पे नेचुरल हजार्ड होते हैं वहां पे नेचुरल हजार्ड होने के ज्यादा चांसेस थे, पहले ऐसा माना जाता, पहले ऐसा माना जाता। तो लोग क्या करते थे, लोग वहां पे जाने की कोशिश नहीं करते, लोग वहां पे जहाँ पे नेचुरल हजार्ड होते थे वहां पे लोग जाने की कोशिश नहीं करते थे, वहां के क्या कहते हैं कि वहां पे बैलेंस को लोग बिगाड़ते नहीं थे, वहां पे बैलेंस को लोग क्या कहते हैं कि बिगाड़ते नहीं थे। पीपल अवॉइडेड इंटेंसिफिकेशन ऑफ दियर एक्टिविटीज इन सच एरिया। तो जहाँ पे नेचुरल हजार्ड होते थे वहां पे लोग क्या कहते हैं कि अपने ये किसी भी चीज को इंटेंसिफाई नहीं किया करते थे, क्योंकि जिसकी वजह से कोई भी संकट आ सके, कोई भी संकट आ सके, कोई भी डिजास्टर हो सके, इसकी वजह से लोग वहां पे कुछ नहीं करते। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ में टेक्नोलॉजी में चेंजेस, समय के साथ में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, जब टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ तो यानी कि लोगों के पास में टेक्नोलॉजी की पावर आ गई, जब लोगों के पास में टेक्नोलॉजी की पावर आ गई इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने क्या किया उन इन, इसकी वजह से ह्यूमन इंटरवेंशन, नेचर के साथ में ह्यूमन इंटरवेंशन बढ़ गया,
लोग पहाड़ों पर भी रहने लगे, जहां लोग रह नहीं सकते वहां पर भी रहने लगे, लोग इवन समंदर के किनारे घर बनाने लगे, ठीक है, समंदर के किनारे घर बनाने लगे हैं। तो क्या होगा जब भाई सुनामी आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहते हैं कि वो घर टूटेगा, वो घर बेकार होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब लैंडस्लाइड होगा तो जो पहाड़ों पे घर बने हुए हैं वो भी टूटेंगे ही टूटेंगे। तो यानी कि जब लोगों के पास में टेक्नोलॉजिकल पावर आई, तो उसकी वजह से लोगों ने क्या कहते हैं कि नेचर के साथ में क्या किया, इंटरवेंशन करना ज्यादा कर दिया, नेचर के साथ में और ज्यादा ही इंटरवेंशन करना शुरू कर दिया जैसे जैसे उनके पास में टेक्नोलॉजिकल पावर बढ़ती। इसकी वजह से क्या हुआ, कि अब लोगों ने क्या कहते हैं कि उन एक्टिविटीज को इंटेंसिफाई करना शुरू कर दिया जहां पे डिजास्टर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पर भी क्या कहते हैं कि वो लोग रहने की कोशिश करने लगे। कोलोनाइजेशन ऑफ फूड फ्लड प्लेन्स में लोग रहने लगे हैं, हाँ हाँ फ्लड प्लेन्स के आसपास रहने लगे हैं। डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सिटीज एंड देखो पोर्ट टाउन, जैसे मुंबई समंदर के किनारे बड़े बड़े सिटी बनाते रहे, समंदर के किनारे बड़े बड़े पोर्ट्स बना दे रहे हैं, और क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है, लोग समंदर के किनारे अपने घर बना ले रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर जब कोई भी जैसे साइक्लोन आएगा, हरिकेन आएगा या सुनामी आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो समंदर के किनारे वाले एरिया हैं, वो ज्यादा अफेक्टेड होंगे। जब वो ज्यादा अफेक्टेड होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से नुकसान भी तो ज्यादा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का मतलब कि कह रहे हैं कि नजरिया भी बदला है। लोगों का नजरिया किसके साथ में बदला है कि पहले के कहते हैं कि डिजास्टर्स और हजार्ड को एक साथ माना जाता था कि अगर हजार्ड्स है तो डिजास्टर होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो लोग उन जगह पे नहीं जाते थे जहाँ पे डिजास्टर होगा, वहां पे वो लोग इंटरवेंशन नहीं करते थे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। लेकिन लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने उन उस हर एरिया पे क्या कहते हैं, कि इंटरवेंशन करना शुरू कर दिया जहाँ पे पहले नहीं जाते थे। यानी कि जहाँ पर भी अभी डिजास्टर होने के चांसेस भी रहते हैं वहां पे लोग जैसे पहाड़ों पर भी घर बना लेते हैं। तो क्या होगा जब लैंडस्लाइड होगा तो क्या कहते हैं पहाड़ वाले घर टूटेंगे, अब फिर क्या कहते हैं जो समंदर के किनारे घर बना लेते हैं, जब सुनामी आएगी तो वो भी क्या कहते हैं समस्या आएगी, जब साइक्लोन आएगा तब भी वो घर टूटेंगे। तो कहीं ना कहीं डिजास्टर प्रोन एरिया में लोग रहने की कोशिश करने लगे हैं जब ड्यू टू टेक्नोलॉजी। इतना बात समझ में है, इतना बात तो समझ में आ चुका होगा आपको। अब हम आगे बात करते हैं, दीज ऑब्जर्वेशंस कैन बी हाँ दीज ऑब्जर्वेशंस कैन ऑल्सो बी कोरोबरेटेड, हाँ इनको किसके साथ में जोड़ा जा सकता है, डेटा 7.1 शोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेथ्स कॉज्ड बाय द 12 सीरियस नेचुरल डिजास्टर्स इन द पास्ट 60 ईयर्स। देखो पिछले 60 सालों में देखो क्या हुआ कि जब 1948 में सोवियत यूनियन रसिया रसिया में अर्थक्वेक आया था, 1,10,000 लोग मारे गए, ठीक है। 1949 में चाइना में क्या कहते हैं कि फ्लड आया था तो 57,000 लोग मारे गए, 57,000 लोग। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो 1971 में क्या कहते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था, 1971 में इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था जिसकी वजह से 30,000 लोग मारे गए। फिर 2004 में जो सुनामी आई थी, हाँ इंडोनेशिया श्रीलंका और इंडिया में, यहाँ पे देखो सुनामी की वजह से कितने लोग मारे गए कि लगभग लगभग हाँ लगभग लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं कि अगला क्या कहते हैं कि ये पाकिस्तान इंडिया में 2005 में क्या कहते हैं कि अर्थक्वेक आया था, लगभग लगभग 70,000 लोग मारे गए, और फिर क्या कहते हैं कि 2011 में जापान में सुनामी आई थी, इसमें 15,842 लोग मारे गए। तो देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि क्या कहते हैं कि इतने सारे ज्यादा लोगों को क्या कहते हैं कि डेथ हो रही है, तो दीज ऑब्जर्वेशन कैन ऑल्सो बी कोरोबोरेटेड बाई डेटा। कह रहे हैं कि इस डेटा से आप क्या कहते हैं कि इसको कंपेयर कर सकते हो, इस डेटा से आप इसको देख सकते हो और समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा, समझ सकते हो कि इनके क्या कहते हैं कि हाँ हाँ कोरोबोरेटेड का मतलब होता है पुष्टि करना, तो हम जब इसको देख सकते हैं कि क्या हुआ है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द टेबल दैट नेचुरल डिजास्टर्स हैव कॉज्ड वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी कि उस टेबल से हमें पता चलता है, टेबल से हमने देखा तो हमें पता चला कि क्या पता चल रहा है कि जो ये जो नेचुरल डिजास्टर्स है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या कहते हैं कि लोगों की लाइफ में क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत सारे लोगों की जान गई और बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी चली गई, ठीक है। लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान होता है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान होता है, ठीक है। इतना बात समझ रहे हैं। कंसर्टेड एफर्ट्स आर ऑन एट वेरियस लेवल टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू डील विद सिचुएशन। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस के लिए डील करने के लिए बहुत सारे मेजर्स किए गए, बहुत सारे क्या कहते हैं तरीके अपनाए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं,
कि ऐसी स्थिति जब आए तो उसके साथ में क्या कहते हैं कि निपटा जा सके, ऐसी स्थिति को में क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इट इज ऑल्सो बींग फेल्ट दैट डैमेजेस कॉज्ड बाई नेचुरल डिजास्टर्स हैव ग्लोबल रिपरक्यूशंस। यानी कि लोगों को ये लग रहा है कि जो ये क्या कहते हैं कि ये केवल और केवल किसी पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं हो रही, केवल और केवल किसी पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं हो रही, नेचुरल डिजास्टर की वजह से पूरे पूरे विश्व में समझ लो चोट पहुंची, पूरे विश्व में चोट पहुंची हुई है। केवल और केवल ये मत सोचो कि केवल और केवल किसी पर्टिकुलर की, ये इसमें कह रहे हैं कि दैट आर बियॉन्ड द मीन्स एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल नेशन स्टेट टू कोप विद। यानी कि कह रहे हैं कि ये जो नुकसान पहुंचाया गया, ये जो नेचुरल डिजास्टर के द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये केवल और केवल किसी पर्टिकुलर देश पे नहीं है, किसी पर्टिकुलर नेशन पे नहीं है, किसी पर्टिकुलर कंट्री पे नहीं है, बल्कि बल्कि क्या कहते हैं कि ये समझ लो पूरे वर्ल्ड को लिए नुकसान है, कि पूरे वर्ल्ड के लिए नुकसान है। ठीक है, समझ आया नहीं समझ में? ये केवल और केवल एक देश की बात नहीं है, ये एक देश की बात नहीं होती, ये पूरे वर्ल्ड के लिए ये नुकसान होता है। हेंस दिस इश्यू वाज रेज्ड एट यूएन जनरल असेंबली इन 1989। 1989 में क्या हुआ, ये जो नेचुरल डिजास्टर को लेकर के यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या कहते हैं कि ये बात उठाई गई। 1989 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये बात उठाई गई। इट वाज फाइनली फॉर्मलाइज द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन मई 1994 एट योकोहामा। तो फिर क्या कहते हैं कि जब ये बात, इस मुद्दे को कहाँ पे उठाया गया, इस मुद्दे को यूएन जनरल असेंबली में उठाया गया, तब उठाया गया 1989 में। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मई 1994 में जापान में जो योकोहामा नाम का एक क्या कहते हैं कि सिटी है, वहां पे क्या कहते हैं कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट क्या हुआ, योकोहामा में हुआ। ठीक है, 1994 में। दिस वॉज द सब्सिक्वेंटली कॉल्ड योकोहामा स्ट्रेटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर द सेफर वर्ल्ड। हाँ, तो मतलब कि कहते हैं कि इसको क्या बोला जाता है, योकोहामा स्ट्रेटेजी बोला जाता है, या क्या कहते हैं कि और इसको बोला जाता है प्लान ऑफ एक्शन फॉर सेफर वर्ल्ड, मतलब साफ मतलब कि सुरक्षित वर्ल्ड के लिए क्या कहते हैं कि हमने एक स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई कि बेसिक, अभी देखो हम चैप्टर के अभी पढ़ाई का स्टार्ट कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा इसमें बेसिक समझने की जरूरत थी कि एक्चुअल में क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स हो क्या है, मतलब नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं, नेचुरल हजार्ड्स क्या होते हैं। अब नेचुरल हजार्ड्स और ये हो क्यों रहे हैं, हमें इसको बेसिक समझना था कि कैसे हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डेवलप करें, ये समझना है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर को हमने कैसे क्लासिफाई करना है। अच्छा, आपको एक तो बात तो ये पता चल गई ना कि नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं वो ज्यादा डिवास्टेटिव होते हैं, उनका ज्यादा हानिकारक, ज्यादा क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि मैग्नीट्यूड में डिस्ट्रक्शन करते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल हजार्ड्स। नेचुरल हजार्ड्स की रेस्पेक्ट में कहते हैं कि जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, वो ये सब हमने पढ़ा था। अब आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द वर्ल्ड ओवर हैव एक्सपीरियंस डिजास्टर्स, मतलब सभी कहीं पर भी सब जगह पे क्या कहते हैं कि लगभग लगभग पूरे दुनिया के लोगों ने इसको महसूस किया है। हाँ, पूरे दुनिया के लोगों ने डिजास्टर को महसूस किया है, उन्होंने इसको फेस किया है, उनके साथ मतलब कि डिजास्टर को जिया भी है, डिजास्टर के कारण भी। हाँ, नाउ पीपल आर बिकमिंग अवेयर एंड वेरियस स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड एट डिफरेंट लेवल्स फॉर मिटिगेटिंग द एफर्ट्स ऑफ डिजास्टर्स। हाँ, इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स, तो डिजास्टर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए, मिटिगेट करना मतलब होता है कम करने के लिए, डिजास्टर्स को इफेक्ट कम करने के लिए, इफेक्ट को कम करने के लिए बहुत सारे लेवल पे क्या किए, प्रयास किया जा रहा है। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स इज बीन कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव एंड साइंटिफिक। तो ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, तो सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से डिजास्टर्स हैं, कौन कौन से डिजास्टर्स हैं, और क्या कहते हैं कि तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि हम एक साइंटिफिक मेथड डेवलप करेंगे, इससे एक हम साइंटिफिक मेथड डेवलप करेंगे और उसको फिर क्या कहते हैं कि निपटने की उससे कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे क्या कहते हैं कि निपटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना बात समझ रहे हैं। ब्रॉडली नेचुरल डिजास्टर्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर 4 कैटेगरी। नेचुरल डिजास्टर को क्या कहते हैं कि ऐसे 4 कैटेगरी में बांटा गया, कौन कौन से 4 कैटेगरी में बांटा गया है, देखिए नेचुरल डिजास्टर को टोटल 4 कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक में बांटा गया, टेरेस्ट्रियल में बांटा गया, एक्वाटिक में बांटा गया, बायोलॉजिकल। तो 4 प्रकार के नेचुरल डिजास्टर हो, एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, और क्या कहते हैं टेरेस्ट्रियल नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, एक्वाटिक नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, और क्या कहते हैं बायोलॉजिकल
डिजास्टर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? हाँ ये क्या कहते हैं कि सबसे पहला है ब्लिजार्ड्स। एटमॉस्फेरिक में कौन सा आ गया सबसे पहला? ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड का मतलब होता है कि बर्फ का तूफान जो होता है उसे ब्लिजार्ड बोला जाता है। ब्लिजार्ड का मतलब क्या होता है? बर्फ के जो तूफान चलते हैं उसे ब्लिजार्ड बोला जाता है। फिर अगला आता है थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म आपको समझ में आ चुका होगा। हाँ ठीक है, और ये कहते हैं लाइटनिंग। हाँ ये भी समझ में आ गया होगा। टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या होता है कि कहते हैं कि एक प्रकार से साइक्लोन जैसा होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया। हाँ ड्रॉट, हेल स्टॉर्म, ये फ्रॉस्ट, हीट वेव, ये सब ब्लू वगैरह, कोल्ड वेव, ये सब क्या होते हैं? एटमॉस्फेरिक होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये जो डिजास्टर होते हैं एटमॉस्फेरिक डिजास्टर। टेरेस्ट्रियल में अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, एवलांसेस। एवलांसेस का भी मतलब होता है मिट्टी का क्या कहते हैं कि स्लाइड होना ही होता है। सब्सिस्टेंस, हाँ सब्सिस्टेंस, और क्या कहते हैं कि सॉइल इरोजन वगैरह होना। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जमीन धंसना। हाँ सब्सिडेंस, सब्सिडेंस का मतलब होता है, सब्सिडेंस का मतलब होता है जमीन का धंसना वगैरह होता है। ठीक है, फिर अगला आता है एक्वाटिक में क्या होता है? फ्लड आ सकता है, फ्लड आ सकता है टाइडल वेव्स की वजह से, ओशियन करंट की वजह से, स्लग स्टॉर्म सर्ज, सुनामी की वजह से भी क्या कहते हैं ये एक्वाटिक, हाँ नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स एज कॉलोनाइजर। हाँ और क्या कहते हैं कि इंसेक्ट इंटेंसिफिकेशन, बहुत सारे क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया, फंगल या वायरल डिसीज हो जाए, तो ये सब क्या होते हैं? बायोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर। जैसे कोरोना एक प्रकार से समझ लो बायोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर, यानी कि समझ रहे हो ना कि बायोलॉजिकली भी नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द दोज कंट्री विच हैज एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, जो हमने 7.2 में देखा था उसमें से बहुत सारे इंडिया के लोगों ने झेला है। एवरी ईयर इट लॉसेस थाउजेंड्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वर्थ मिलियंस ऑफ रूपी ड्यू टू दिस नेचुरल कैलामिटी। इन सब नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, इन सब नेचुरल कैलामिटीज की वजह से हमारे क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्या हुआ है कि नुकसान है। ठीक है, बहुत सारा क्या हुआ है, हमारा नुकसान होता है, रहता है, हर साल ही लगभग लगभग होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि कौन कौन से चीजें हैं, इनको एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या है नेचुरल डिजास्टर, यही याद करो तो क्या कहते हैं कि 1994 में जो योकोहामा में क्या कहते हैं कि हुआ था, योकोहामा स्ट्रेटजी एंड इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। ठीक है, ये क्या है? इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। यहाँ पे योकोहामा स्ट्रेटजी एंड प्लान एक्शन फॉर सेफर वर्ल्ड, यहाँ पे हम लोगों ने देखा। कब बनाया गया था? जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या कहते हैं कि 1989 में बात उठी, तो फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पे योकोहामा स्ट्रेटजी बनाई है। ऑल अदर मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड अदर स्टेट्स मेट एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि योकोहामा में क्या हुआ था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के लिए। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के लिए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1994 में मई में, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए। इट एक्नोलेज द इम्पैक्ट एंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक लॉसेस। तो इन्होंने उसके इम्पैक्ट को किसके रूप में देखा? ह्यूमन एंड इकोनॉमिक लॉसेस के रूप में देखा। ठीक है, कि कितना क्या कहते हैं कि ज्यादा क्या कहते हैं कि पूरी सोसाइटी को लॉस होता है, पूरे देश को लॉस होता है। ठीक है, ये केवल और केवल एक लोगों को नहीं, हैज बिकम वल्नरेबल टू नेचुरल डिजास्टर्स, और हैज राइजन इन रिसेंट ईयर्स इन जनरल हैज बिकम वल्नरेबल टू। तो मतलब कि कहते हैं कि उस इम्पैक्ट को देखने की कोशिश किया, उस इम्पैक्ट को देखने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि इस बात को स्वीकार किया गया, इसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि क्या कहते हैं कि हाँ जो रिसेंट ईयर्स हैं उसमें क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं कि लोगों के जीवन की भी और साथ में ही के साथ में उनके एक कहते हैं कि इकोनॉमिक लॉसेस भी हुए हैं। ठीक है, लोगों के जीवन भी और उनके इकोनॉमिक लॉसेस भी हुए, और उसके लिए भी देखा गया कि यहाँ पे ये देखा गया कि बहुत सारे लोगों का मतलब इसमें ये माना गया कि ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं। ठीक है, एंड सोसाइटी हैज बिकेम वल्नरेबल टू नेचुरल डिजास्टर्स। और ये भी बोला जाता है कि यहाँ पे ये भी माना गया कि एक तो माना गया ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉसेस हुए ही हुए हैं, साथ में ये भी माना गया कि जो सोसाइटी है ये क्या हो चुकी है, वल्नरेबल हो चुकी है किसको, नेचुरल डिजास्टर्स को। मतलब यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब सोसाइटी ऐसी बन चुकी है जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर होने के ज्यादा चांसेस। इट ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट दीज डिजास्टर्स अफेक्टेड द पुअर एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स वर्स्ट।
अच्छा, इस जब के कहते हैं कि जब कोई भी डिजास्टर होता है तो सबसे ज्यादा कौन लोग अफेक्टेड, जो सबसे गरीब लोग होते हैं वही सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग, ठीक है। हाँ, जो सबसे ज्यादा गरीब लोग होते हैं, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं वही अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। पार्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री होती है वहां पे तो और ज्यादा है। विच आर इल इक्विप्ड टू कोप विद, यानी कि क्या कहते हैं कि, तो क्या कहते हैं कि वे इन ऐसी आपदाओं को झेल नहीं पाते, वे ऐसी आपदाओं को झेल नहीं सकते, ठीक है। इल इक्विप्ड का मतलब होता है कि साधन ही है, उनके पास साधन ऐसे नहीं है, जो एकदम बेहतर साधन हो वो नहीं है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि ये इनसे क्या कहते हैं कि झेल सके, ऐसे नेचुरल डिजास्टर को झेल सके। तो यही यहाँ पे बताया गया, ये माना गया कि भाई सोसाइटी क्या है, वल्नरेबल है कि कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर को, और साथ में बोला गया कि इसमें जो गरीब लोग होते हैं वो ज्यादातर अफेक्टेड होते हैं, और साथ में वो उस देश के जो कहते हैं कि अभी भी डेवलपिंग है। हेंस द कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड योकोहामा स्ट्रेटेजी, और उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि हम आगे कैसे कैसे हम डिजास्टर को कम कर सकते, ठीक है। डिजास्टर को क्या कहते हैं कि डिजास्टर से होने वाले नुकसान को, डिजास्टर से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। क्या स्ट्रेटेजी बनाई, देखते हैं। सबसे पहला, इट विल नोट दैट ईच कंट्री हैज सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर्स। यहाँ पे इसमें ये क्या कहते हैं कि ये देखा गया कि कौन कौन से, मतलब कि ये क्या कहते हैं कि कौन कौन से चीजें मेंशन की गई। तो सबसे पहला चीज मेंशन किया गया कि हर कंट्री के पास में अपनी सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सिटीजन को बचाने की, ठीक है, ठीक है। वो मतलब कि क्या कहते हैं कि हर हर कंट्री की ये जिम्मेदारी बनती है, हर कंट्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सिटीजन को किससे बचाए, नेचुरल डिजास्टर से बचाए, हर कंट्री की ये जिम्मेदारी है। इसमें एक बात ये माना गया कि हर कंट्री की एक जिम्मेदारी है कि अपने सिटीजन को नेचुरल डिजास्टर से बचाए, पहला पॉइंट तो ये माना गया। दूसरा पॉइंट ये माना गया, इट विल गिव प्रायोरिटी अटेंशन टू द डेवलपिंग कंट्री। इसने क्या के कहते हैं कि इसने किसको, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके ऊपर के कहते हैं कि उनके ऊपर फोकस करना शुरू किया, और पार्टिकुलरली उन देश के ऊपर जो बहुत ही कम डेवलप्ड है, ठीक है, और लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, और जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जो छोटे छोटे डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनके ऊपर फोकस करने की कोशिश की, ठीक है। इतना बात समझ रहे हैं ना, जो क्या कहते हैं कि बहुत कम विकसित हैं, और क्या कहते हैं कि जो अभी क्या कहते हैं कि छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं जो अभी बने हुए हैं, इनको ऊपर फोकस करने की कोशिश की। तीसरा, इट विल डेवलप एंड स्ट्रेंथन नेशनल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी एंड वेयर अप्रोप्रिएट नेशनल लेजिस्लेशन फॉर नेचुरल एंड अदर डिजास्टर प्रिवेंशन मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस इंक्लूडिंग मोबिलाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। यानी कह रहे हैं कि ऐसी कैपेसिटी को ये डेवलप करेंगे, हाँ ऐसी कैप, हाँ ठीक है, ये मतलब कि क्या कहते हैं कि आपदा से जो ये क्या कहते हैं कि जैसे कि हमने बताया था, ये जो नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए जहां तक भी हो सकेगा, जहां तक भी हो सकेगा, लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मतलब हर एक देश अपना क्या बनाएगा, लेजिस्लेशन बनाएगा, हर एक देश अपना क्या कहते हैं कि हर एक देश क्या कहते हैं कि हाँ हर एक देश के कहते हैं कि अपने यहाँ क्या बनाएगा, एक कोई कानून बनाएगा, कानून बनाएगा, और साथ में ही कहते हैं कि लोगों के साथ में बातचीत करके उसको डिजास्टर से प्रिवेंट करने के तरीके ढूंढेंगे, उनके इफेक्ट को कम करने का तरीका ढूंढा जाएगा, और उनको प्रिपेयर किया जाएगा कि भाई क्या कहते हैं कि आप क्या कहते हैं कि हाँ ऐसे अगर ऐसी चीजें होती हैं तो उसके लिए तैयार हो, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इट विल डेवलप एंड, फिर से इसको पढ़ो, इट विल डेवलप एंड स्ट्रेंथन द नेशनल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज, हाँ ठीक है, एंड नेशनल एसोसिएशन फॉर नेचुरल एंड अदर डिजास्टर प्रिवेंशन, चाहे कोई भी प्रकार का डिजास्टर होगा उससे प्रिवेंट करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, हाँ तैयार रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जितने भी चैलेंजेस होंगे उनको स्वीकार करके हमें उनके ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा, ये सारी चीजें। अगला, इट विल प्रमोट द स्ट्रेंथन सब रीजनल रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एक्टिविटी टू प्रिवेंट, मतलब कि चाहे वो रीजनल लेवल पे हो या सब रीजनल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, जो कॉपरेट किया जा रहा है को कॉपरेट करेंगे, जो लोग साथ में आएंगे किसके लिए कॉपरेट करेंगे, ताकि लोग बचा सके, ताकि लोग क्या कहते हैं कि बचा सके, किससे बचा सके, क्या कहते हैं कि जो भी ये किसको बचा सके, रिड्यूस मिटिगेट नेचुरल एंड अदर डिसऑर्डर विच पार्टिकुलरली इम्फेसिस ऑन
ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग स्ट्रेंथनिंग। यहाँ पे क्या किया जाएगा कि इंसान है जो मतलब ह्यूमन को क्या कहते हैं कि एक प्रकार से क्या किया जाएगा उनको, ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, इनको मजबूत बनाया जाएगा। साथ में ही अगला टेक्नोलॉजी शेयरिंग, लोग टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, लोग टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, ठीक है। और साथ में ही क्या कहते हैं कि एक प्रकार से क्या कहते हैं कि डिसेमिनेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का सब लोग यूज करेंगे। साथ में ही मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज को क्या कहते हैं कि इकट्ठा करेंगे ताकि ऐसे चीजों का सामना किया जा सके, ताकि ऐसे चीजों का सामना किया जा सके, ठीक है। और साथ में ही इंटरनेशनल डिकेड 1990 से 2000 को इंटरनेशनल डिकेड बना दिया, जिसके लिए नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के लिए, हाँ ठीक है, 1990 से लेकर के 2000 को नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के लिए क्या बना दिया गया, उसको क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल डिकेड। डिकेड का मतलब 10 साल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने बात कर, अब हम बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स एंड हजार्ड्स इन इंडिया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम क्या कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ से हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो भी नहीं समझ में आया होगा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ तक बढ़िया से पढ़ लेना। अब इसके बाद में क्या कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, ओके।